हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है आज की वीडियो में और आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्निंग से फ़िलहाल अभी मैं जा रही हूँ मार्केट। पहले आयुष की पेरेंट्स मीटिंग है तो पेरेंट्स मीटिंग में जाऊँगी और उसके बाद वहाँ से एक नंबर मार्केट है तो वहाँ निकलूँगी क्योंकि वो सामने ही पड़ता है। और फिलहाल छोड़ने आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, वहाँ से ये काम पर निकल जाएंगे और हम दोनों आ जाएंगे वापस ऑटो से। तो मतलब ये वैसे हो सकता है पेरेंट्स मीटिंग में भी आ जाए, ये भी हो सकता है कि ना आए, तो फिलहाल देख लेंगे उसके बाद क्या होता है। और आयुष जब हम आते हैं ऑटो से तो उसको बोलते हैं हम टुकटुकी से आएंगे, तो उसको ऑटो कहता है टुकटुकी। फिलहाल अभी हम एक नंबर में पहुंच चुके हैं तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं पेरेंट्स मीटिंग में और हस्बैंड मेरा थोड़ा काम पे जा रखे हैं, यहाँ पे सामान वगैरह ले रहे हैं। फिर यहाँ से पहले पेरेंट्स मीटिंग, उसके बाद हम दोबारा वापस एक नंबर ही आएंगे शॉपिंग करने। और आयुष को खाना है पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा खाएंगे और मुझे थोड़ा सामान भी लेना है तो वो लेकर हम फिर घर चलेंगे। तो फिलहाल यहाँ पतिदेव जा रखे हैं शॉप पर, अभी आने वाले हैं, तब तक हम यहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी सुबह का टाइम है तो यहाँ एक नंबर सारा बंद हो रखा है, सारी दुकानें अभी बंद हो रखी है क्योंकि अभी 9:55 हो रहे हैं, शायद 9:55 हो रही है। तो फिलहाल अभी हम यहीं पर हैं, जब तक हम स्कूल से आएंगे शायद यहाँ पे खुल जाएगा मार्केट। लेकिन हाँ, यहाँ पे मार्केट बड़ा है तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होता है कि सुबह सुबह सारे झाड़ू मार रहे होते हैं, सारा तो धूल मिट्टी मुंह पे ही आती है, तो सुबह जल्दी आने का कोई फायदा नहीं। मार्केट आओ तो तकरीबन 11 के बाद ही आओ तो ज्यादा बेहतर है। और एक दिन जिस दिन हम पहले आए थे मैं और सुनीता, उस दिन भी हम काफी जल्दी पहुंच गए थे तो सारे झाड़ू ही लगा रहे थे और दुकान भी ढंग से नहीं खुली होती, कोई सामान बाहर लगाता है फिर कोई अंदर ले जाता है, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। इसलिए जो भी मार्केट आए तो वो 11 बजे तकरीबन घर से आए, तभी सही रहेगा। तो पतिदेव आ चुके हैं, अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। अभी देखो मार्केट बंद हो गया, देखो सारी दुकानें अभी फिलहाल बंद हो रखी हैं। बहुत कम दुकान खुल रखी है अभी फिलहाल, यहाँ पे मोमोज की दुकान खुल रखी है, नहीं वो भी बंद है। और ये रहा मेन मार्केट, अभी देखो सारी दुकान बंद। कुछ लास्ट सैटरडे वगैरह कुछ, अभी तो कुछ सैटरडे फर्स्ट है ना, ये तो सेकंड, अरे 10 बजे अच्छा 10 बजे तक खुली जाएगी। फिलहाल अभी मार्केट सारी है बंद, थोड़ी थोड़ी सी दुकान खुल रखी है। तो पहले हम अभी जाते हैं पेरेंट्स मीटिंग में, उसके बाद आते हैं वापस जब तक दुकान थोड़ा खुल जाएंगी। बच्चे स्कूल में हम पहुंच चुके हैं और बच्चे भी आ रहे हैं अभी, तो आज लगने वाली है आयुष की क्लास। ये है आयुष की कैंटीन, आयुष यहाँ से बर्गर पिज्जा खाता रहता है। आयुष क्या खाता है तू तो? बर्गर। फिलहाल हम अभी पेरेंट्स मीटिंग से आ चुके हैं तो नंबर क्या बताने, चलो ठीक ही थे। तो अब यहाँ से हम दोनों जा रहे हैं मार्केट, अब पतिदेव हमें छोड़ देंगे आगे तक और वहाँ से हम फिर ऑटो लेकर जाएंगे घर। ये रहा यहाँ पे वैष्णो माता का मंदिर, यहाँ पे जन्माष्टमी के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, नवरात्रि में भी काफ़ी भीड़ होती है और माना जाना मंदिर है ये, बहुत अच्छा। जय हो माता की। और अब हम पहुंच गए हैं एक नंबर में, अब हम यहाँ से एक नंबर जाएंगे। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं एक नंबर, पतिदेव गए और हम थोड़ा घूम लेते हैं अब। तो फिलहाल अभी हम पिज्ज़ा खाने पहुंच चुके हैं मैं और आयुष, और शॉपिंग हमने कर ली है। ये हमारी है शॉपिंग आज की, शॉपिंग हो चुकी है और अब हम यहाँ से अगर छोटा मोटा सामान देखेंगे, मिल जाएगा तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो दूसरे दिन आ जाएंगे दोबारा से। और अब पिज्ज़ा खा लेते हैं पहले, उसके बाद चलेंगे हम वापस यहाँ से। अगर आप इधर साइड देखोगे तो यहाँ पे आपको हॉट जूसी क्रंची चिकन, चिकन इसके दूसरे साइड में चिकन वगैरह मिल जाएगा आपको, काफ़ी टेस्टी होता है, जैसे KFC में मिलता है वैसे ही सेम यहाँ पे इस साइड्स पे, यहाँ पे KFC मतलब एक हिसाब से वहाँ पर सारा चिकन वगैरह मिलता है और इस साइड को यहाँ पर पिज़्ज़ा वगैरह मिलता है। सुबह का टाइम है तो अभी सफाई चल रही है, हमने सारा यहाँ कीचड़ कीचड़ कर दिया। हाँ तो ये हमारा आ चुका है पिज़्ज़ा,
आज हमने छोटा वाला बनवाया क्योंकि मैं और आयस है ओनली, तो फिर हम दोनों इतना ही खा पाएंगे, है ना। खाना खाकर वैसे ही आ रखे हैं। और अभी मैंने अभी यहाँ पे जूस मंगा रखा है, तो जूस अभी हमारा आने वाला है। तो यहाँ पे हमारे क्या आ गए आई, फ्रेंच फ्राइज में आ गए। और ये है ब्लू जूस, तो देखो कितना टेस्टी लग रहा है, बहुत टेस्टी होता है। ये जो जूस है ये काफ़ी टेस्टी होता है, मैं जब भी आती हूँ पीती हूँ। पिछली बार नहीं पिया था लेकिन इस बार पी रही हूँ। इसमें नींबू वगैरह डाल रखा है, पुदीना वगैरह काफ़ी कुछ इसमें डाल रखा है, अच्छा होता है। और मेरे ख्याल से इसमें वो भी डाल रखा है, या तो थोड़ा मिला रखा है और या तो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन बहुत टेस्टी होता है, पता नहीं चलता है क्या, थोड़ा ही है वैसे तो मुझे लग रहा है। फिलहाल हमने सारा कर लिया फिनिश, हम बिल्कुल जैसे भूखे प्यासे घर से आए हो, पराठे खा कर आए थे, और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा, सब हुआ फिनिश। ठंडा है ना बहुत ज़्यादा, घर जाकर कला बैठ जाना है तेरा, घर जाकर गर्म पानी पी लियो, इतना चिल हो रखा है ना क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा चिल, मज़ा आ गया ऐसे पीकर, ऐसे सफ़र में मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाए, है ना, गांव जाते टाइम जब उल्टियाँ होती है। तो फिलहाल अभी हम घर पर पहुंच चुके हैं, आयशर मैं ऑटो से आ गए थे, और सुनीता बना रही है खाना, मैंने सोचा मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, मतलब थोड़ा सा चाय बनाऊँगी अपने लिए और चाय पीऊँगी, क्योंकि हम बाहर का कुछ भी खाते हैं ना उसके बाद मुझे चाय पीने का बड़ा शौक है, कि चाय पीकर थोड़ा सुकून सा मिलता है। तो पहले चाय बना रही हूँ, चाय पीते हैं। अभी बोल रहा है मेरी प्यारी दीदी कहाँ है, तेरी प्यारी दीदी, उसे लग रहा है सारे घर पर है तो प्यारी दीदी क्यों नहीं आई, ढूंढ कर कहाँ से लाऊं तेरी प्यारी दीदी को, ताऊ ताऊ तू भी चला जाता है स्कूल, और ये रहा हमारा थैला जो कि फटने वाला है, कब तक साल हुई, जब हम कलन में पहले लिया, हाँ तो ये कलोनी का बैग है, सेक्टर 23 की निशानी, इसको संभाल के रखना है। अरे जब तेरा धूम फोन लगा दे। नन्नू यहाँ पे बना रही है, क्या बना रही है नन्नू, बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग तो बना रही है, पर बुल्ला क्या बना रहा है, बुल्ला कुछ नहीं बना रहा है, ये रो क्यों रहा है, नाराज हो गया, नाक लग गया इसका, ये रो क्यों रहा है पहले ये बता, अभी पहले तो मैंने इसका येलो लिए थी, हाँ फिर ना मैंने ना फिर उसने मुझे ऐसे पीट में मारा, मैंने भी बिगाड़ा थोड़ी देर में, अभी इधर देख दीदी ने वापस दे दिया, चल पकड़ अब चलो अब खेलो, बनाओ फ्लोर का बनाओ, अभी क्या बना रहा है, ट्रेन, अभी ट्रेन बना रहा है, अभी सुन इधर तो सुन, अभी का है मूड खराब बहुत ज्यादा, और नन्नू की बिल्डिंग टूट गई, बच्चे नीचे खेल रहे हैं, और अभी जानबूझकर यहाँ से आवाज लगा रहा है कि अदिति खाना खाने आ जा, खाना खाने आ जा, चालू बन रहा है, तो अभी कोई मम्मी नहीं बुला रही, झूठ मत बोल, जा तू सो जा। तो नन्नू का तो यहाँ पे गेम चल रहा है, और अब हम खाना खा लेते हैं, चाय हुई भी पी ली, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए बाय।